देश के 7 करोड़ व्यापारियों की ओर से मैं प्रवीण खंडेलवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं। हमारी आज की इस कॉन्फ्रेंस में आपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद आना स्वीकार किया, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। असम से लेकर के कच्छ तक और कच्छ से लेकर के जम्मू कश्मीर ले लद्दाख के सभी प्रमुख व्यापारी नेता आज की इस पीसी में अन्य व्यवस्थाएं भी हैं, आपने उसके बीच में से समय काट करके हमारे लिए निकाला, उसके लिए मैं आभार मानता हूं। और मैं बिना किसी अधिक औपचारिकता के निवेदन कर रहा हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीसी भरतिया जी नागपुर से कि वो आदरणीय डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें हमारे व्यापारियों की ओर से। डॉक्टर साहब, आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जब लॉकडाउन लगा था तो उन्होंने पहले दिन श्री पीयूष गोयल जी के मार्फत से हमसे ये आग्रह किया कि देश में जरूरी वस्तुओं की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और यह जिम्मेदारी उन्होंने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स को दी। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व है कि देश के लगभग 45 लाख व्यापारियों के सहयोग से हमने पूरे देश में संभवतः एक भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जिसको जरूरी वस्तुओं की कहीं पर कोई परेशानी हुई होगी। और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने हमारी भूमिका की प्रशंसा की और 3 ट्वीट उन्होंने किए व्यापारियों के सम्मान में, तो हमारे लिए ये बड़े गौरव की बात है। हमने आपको देखा है कि कोविड से पहले से आप जिस ताकत के साथ, जिस हिम्मत के साथ और जिस संघर्ष के साथ आपने कोविड में सुबह से लेकर के रात तक न दिन देखा न रात देखी और आपने जिस प्रकार से परिश्रम किया, और ये आपके परिश्रम और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है जिसके कारण से हिंदुस्तान को आप लोग और हम सब लोग मिलकर के एक बड़ी कोविड की महामारी से बचा सके अन्य देशों की तुलना में। हमें यह भी अच्छी तरीके से मालूम है कि जिस समय कोविड शुरू हुआ तो उस समय हमारे पास कोई बहुत मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, हमारे पास में वेंटिलेटर नहीं थे, हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने अपने अथक परिश्रम से एक बहुत छोटे समय में आपने जिस प्रकार से सारे देश को एक सूत्र में बांधा, निश्चित रूप से जहां प्रधानमंत्री जी का संकल्प बधाई का पात्र है, वहीं आप और आपके सारे सहयोगी भी इसलिए बधाई का पात्र है कि उन्होंने 24 घंटे मॉनिटर करके और देश को एक बड़ी आपदा से बचाए रखा है। तो हम देश के 7 करोड़ व्यापारियों की ओर से आपका अभिवादन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी निगाह में दो विषय लेकर के आने की मैं विशेष रूप से दिल्ली की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि दिल्ली या देश में राज्य सरकारों ने किसी भी मार्केट को सैनिटाइज नहीं किया, जिसके कारण से हर मार्केट में अभी तक कूड़े के ढेर हैं और गंदगी है, चारों तरफ चीजों का साम्राज्य है। और यदि हम दिल्ली की बात करें डॉक्टर साहब, दिल्ली के अंदर मार्केट खुली और मार्केट खुलने के बाद अब लगातार हमारे थोक बाजारों के अंदर कोविड के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कोई पूरी दिल्ली के अंदर शासन नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोविड के पेशेंट को कोई लेने को तैयार नहीं है। हमारे 3 व्यापारी भागीरथ पैलेस के वेंटिलेटर पर चले गए, बड़ी मुश्किल से उनको वेंटिलेटर के लिए कहा गया। और अब हालात दिल्ली के अंदर डॉक्टर साहब यह हो चुकी है कि पुरानी दिल्ली की अधिकतर थोक बाजार पूरी तरीके से बंद है, सदर बाजार बंद है और अभी फिलहाल अब खुलने के कोई आसार नहीं है। इसमें गंभीरता का विषय यह है कि जो दवा मार्केट थी, जो पूरे देश को दवा सप्लाई करती थी, वो दवा मार्केट पूरे लॉकडाउन के पीरियड में खुली रही, लेकिन लॉकडाउन के बाद पिछले 6 दिन से वो दवा मार्केट पूरी तरीके से बंद है और अभी शायद आने वाले 4-5 दिन भी खुलने का कोई दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वहां पर कोविड की समस्या बहुत गंभीर है। आप चूंकि उस इलाके से सांसद भी हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, मेरा आपसे एक आग्रह है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से बात अवश्य की जानी चाहिए कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने अपने आप को सिर्फ अखबारों में ये कह दिया कि आप चिंता मत करें, कोविड बढ़ेगा, हमारी तैयारी पूरी है। डॉक्टर साहब, आपके शायद ध्यान में होगा दिल्ली सरकार ने प्राइवेट लैब्स को भी अब टेस्टिंग के लिए मना कर दिया। आज टेस्टिंग के लिए सरकारी अस्पताल के अंदर बहुत बुरी हालत है,
और प्राइवेट अस्पताल जो है वो भी टेस्टिंग के नाम पर अधिक लोगों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा डॉक्टर साहब, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर 55,000 रुपए से लेकर के 60,000 रुपए तक रोज वो कोविड के पेशेंट से ले रहे हैं यदि वो किसी को अपने यहाँ एडमिट करते हैं तो। और हमारे बहुत से व्यापारी कोविड के कारण से बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। तो आप चूंकि सदैव व्यापारियों के मित्र रहे हैं, आप कोई भी मौका रहा हो आपने हमेशा व्यापारियों के लिए आप हमेशा आगे से आगे रहे हैं। तो ये दो विषय थे जो मैं आपके सामने प्रश्न उठाना चाहता था, ताकि आपका हस्तक्षेप होगा तो निश्चित रूप से दिल्ली के व्यापारियों, दिल्ली की समय कंडीशन डॉक्टर साहब बहुत खराब है। आप तक कितनी रिपोर्ट पहुंच पाती है मुझे उसका अंदाजा नहीं है। वैसे तो मुझे मालूम है ग्राउंड की रिपोर्ट भी आप तक पहुंचती होगी, लेकिन दिल्ली के बाजारों की अगर ये स्थिति रही तो धीरे धीरे करके दिल्ली के बाजार बंद होना शुरू हो जाएंगे। ये केवल मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था। और अक्सर जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का जो आह्वान किया था तो हमने एक स्टार्टअप, हमारी कैट ने एक स्टार्टअप का की हैंड होल्डिंग करी थी। वो स्टार्टअप था इजी स्पिट का, इसकी वीडियो को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया। तो मैं निवेदन करूंगा ऋतु से, ऋतु फटाफट डॉक्टर साहब को अपना प्रेजेंटेशन दिखाए। सर सबसे पहले मैं आपको नमस्ते करना चाहूंगी। सर प्रेजेंटेशन देने से पहले WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन बनने पर मैं आपको बधाई देना चाहूंगी और हमें गर्व है सर आपके जैसे स्वास्थ्य मंत्री पाकर। सर मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाना चाहूंगी। सर मैं हूँ ऋतु मल्होत्रा, को फाउंडर ऑफ इजी स्पिट। सर स्पिटिंग ये आज हमारे पूरे वर्ल्ड की बहुत बड़ी समस्या है एंड वी आर फेसिंग अ सीवियर सैनिटेशन प्रॉब्लम एंड द कंट्री इज रैपिडली फेसिंग द जाइजेंटिक चैलेंज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस फ्रॉम स्पिटिंग सच एज स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। तो सर इजी स्पिट ये जो इनोवेशन है ये सर एज अ टॉप 5 प्रिवेंशन सॉल्यूशंस टैकलिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक को भी में रिकॉग्नाइज किया गया है। सर हमारे प्रधानमंत्री जी से इंस्पायर होकर सर हमने थूकमत कैंपेन लॉन्च किया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसे ट्वीट करके हमें अप्रिशिएट किया था और मोर देन 3 करोड़ पीपल ने इसे देखा था। सर आपने देखा होगा आपकी डेली एक्टिविटीज में अगर हमें वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस डिफाइंड है। अगर हमें स्मोक करना है तो स्मोकिंग जोन है। अगर हमें छींकना है तो हम अपने हैंडकरचीफ रिमूव करके उसमें छींकते हैं और बाद में अपने पॉकेट में रख देते हैं। लेकिन अगर स्पिटिंग की बात आती है तो स्पिटिंग के लिए सर हमारे पास कोई भी प्लेस डिफाइंड नहीं है। अगर देखा जाए कि कोई संभावित जगह है जैसे कि यूरिनल्स हो गए या फिर वॉश बेसिन्स हो गए, वहां पे लिखा होता है डू नॉट स्पिट हियर। तो सर अगर स्पिट करें तो कहाँ स्पिट करें, तो इसके लिए सर कोई भी प्लेस डिफाइंड नहीं है। तो सर हमने एक छोटा सा सोल्यूशन इसका निकाला है। हमने सोचा अगर जो सोर्स है, जो वायरसेस और बैक्टीरिया फैलने का जो सोर्स है, अगर हम उसको लॉकडाउन कर दें तो हमें हिंदुस्तान को लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर हमने इजी स्पिट वर्ल्ड्स फर्स्ट रियूजेबल मोबाइल स्पिटॉन का इन्वेंशन किया है। सर ये एक कंटेनर में भी आता है और एक पॉकेट साइज आता है जिसे इजिली पॉकेट में रख सकते हैं। वो मल्टीपल टाइम्स रियूजेबल है, इसके हम 30 times इसे यूज कर सकते हैं। वो बायोडिग्रेडेबल है, ड्यूरेबल है, सस्टेनेबल है, टेम्पर प्रूफ है। दैट इज एक बार अगर वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में वापस नहीं आ सकता है। तो सर इससे जो हमारा इम्पैक्ट हो रहा है दैट इज सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट। हम जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पुश टूवर्ड सस्टेनेबल यूज, क्लीन एयर, हेल्दी एनवायरमेंट, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड वुमेन एम्पावरमेंट। सर ये जो हमारा एक इनोवेशन है ये वर्ल्ड फर्स्ट है, दुनिया में आज तक इसके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है। सर ये हमारी टीम है, इसमें 32 एम्प्लॉइज काम करते हैं जिसमें से 25 वुमेन को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है। सर ये जो इजीस्पिट इनोवेशन है अभी हमारा गवर्नमेंट के साथ अप्रूवल हुआ है जिसमें सेंट्रल रेलवे के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे हम पैन इंडिया के प्लेटफॉर्म्स पे वेंडिंग मशीन लगा रहे हैं। एंड सर अभी तक हमने टोटल 8 से 10 स्टेट गवर्नमेंट्स में इजीस्पिट को दिया है जो कि क्वारंटाइन फैसिलिटीज में पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सर अचीवमेंट्स, सर वी हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द UN एनवायरमेंट फॉर द हाइजीन अवार्ड्स। वी हैव बीन अवार्डेड बाय फोर्ब्स एज फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30, वी हैव बीन अवार्डेड बाय फोर्ब्स एज फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 एंड टिल नाउ वी हैव रिसीव्ड 22 अवार्ड्स। तो सर मैं एक आपको छोटा सा इसका डेमो दिखाना चाहूंगी ये कैसे काम करता है। सर ये एक कंटेनर है और सिमिलरली इसी टाइप का ये पॉकेट पाउच है जो इसमें स्पिट करके हम पॉकेट में रख सकते हैं इसे। ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है मैं इसमें डाल रही हूँ।
ये मैंने एक आर्टिफिशियल स्पिट तैयार किया है सर, जैसे इसमें कोई स्पिट करेगा ये विद इन सेकेंड्स में सॉलिडिफाई कर देगा, उसकी जो बैक्टीरिया एंड वायरसेस है विद इन सेकेंड्स में ब्रॉक डाउन हो जाएंगे ताकि इन कॉन्टेक्ट विद एयर में नहीं आएंगे। इसमें हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, इसे 30 टाइम्स हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसे उल्टा भी करूंगी तो ये गिरेगा नहीं, मतलब इसके जो भी वायरस एंड बैक्टीरिया इन कॉन्टेक्ट विद एयर में नहीं आएंगे। तो सर इसका जो इजी स्पिट है ये हमने ICMR अप्रूवल के लिए भी दिया हुआ है, और सर हम चाहते हैं कि अगर इसे सारे हॉस्पिटल्स में एज अ प्रिवेंशन सॉल्यूशंस में यूज किया जाए तो हम जो भी बैक्टीरिया और वायरसेस हैं उसको फैलने से रोक सकते हैं। आज जो एयरबोन डिजीजेस से हम सफर कर रहे हैं, जैसे कि वो COVID-19 ही क्यों ना हो या फिर TB हो, स्वाइन फ्लू है, ये इसके जो वायरसेस एंड बैक्टीरिया बहुत खतरनाक है। सर इसी के साथ साथ हमने वॉमिट बैग्स भी बनाए हैं ताकि लोग इसमें वॉमिट कर सकते हैं, वो भी विद इन सेकेंड्स में सॉलिडिफाई हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू रितु। मैं आग्रह कर रहा हूँ दीपा जैन से। दीपा जैन आप अपना मास्क और दिखा दें, फिर हम डॉक्टर साहब को सुनेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं दीपा जैन 34 साल से कपड़े के एक्सपोर्ट के काम में हूँ। तो अभी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के कारण हमने अपने देश को पहला N95 बनाया है कपड़े में, ये आप देख रहे हैं। इसको सारे अप्रूवल्स हैं, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है और जो भी रिक्विजिट अप्रूवल्स हैं वो उसमें सारे हैं। ये हमारा N95 है, इट्स द फर्स्ट फैब्रिक मास्क ऑफ N95 इन द कंट्री विच वी हैव इवॉल्व विद अ टेक्नोलॉजी विद अ स्पेशल फिल्टर। द सेकेंड मास्क वी आर डूइंग इज फैब्रिक मास्क इन डिफरेंट कलर्स एंड कॉम्बिनेशन। इट्स वोन लाइक दिस, वेरी कम्फर्टेबल टू वेयर, एंड दिस इज स्पेशली ये उन लोगों के लिए बनाया है जो इसको धो सकते हैं या जिनको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं। ये हर रंग और हर प्रिंट में हमारे पास अवेलेबल है। एक और मास्क है, इसमें ये कॉटन का मास्क है, ये भी प्रो है, 3 लाइन वाला। अगर प्लेन मास्क चाहिए तो हम ये कॉर्पोरेट के लिए बना रहे हैं जिसमें उनके हिसाब के रंग और प्रिंटिंग कर सकते हैं। इस समय मैं आपको मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ अपने मन की पूर्ण विनम्रता के साथ मैं देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के साथ साथ हमारे अर्थ और साइंस के भी मंत्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी मंत्री हम सबके प्रिय आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो हमें संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी। श्री प्रवीण खंडेलवाल जी और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेड जो हमारे देश की प्रतिष्ठित संस्था है, उसके साथ जुड़े हुए जितने भी उसके राष्ट्रीय स्तर के और दिल्ली स्तर के पदाधिकारी हैं, इस समय आज कौन कौन उपलब्ध है मेरे पास उसकी सूची नहीं है, नहीं तो मैं उनको नाम से भी ज़रूर पुकारता। और इसके साथ साथ आज के इस VC में जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो समाज के दूसरे वर्ग से जुड़े हैं, चाहे वो गृहिणियां हैं, हमारे नौजवान हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। आप सबकी संस्था को धन्यवाद करता हूं इस आयोजन के लिए। मुझसे पहले भी प्रार्थना की गई थी लेकिन व्यस्तता के कारण मैं शायद इस प्रकार से आपसे मिल नहीं पाया। यद्यपि पिछले लगभग 3-4 महीने से तो ऑलमोस्ट सुबह से लेकर और रात तक ज़्यादातर मेरा समय निर्माण भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय में अस्पतालों में लैबोरेटरीज में कोविड के हेल्थ सेंटर्स, कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, कोविड केयर सेंटर्स, एयरपोर्ट्स, क्वारंटाइन सेंटर्स, इन्हीं में स्थान स्थान पर बीता है।
पिछले समय में लगभग शायद अब तक अगर गिनती करूं तो एक दर्जन तो इस प्रकार की वीडियो कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जिसमें दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों से, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों से, इनके सबके साथ मिलकर सारे दुनिया की परिस्थिति का हम लोगों ने आपस में विश्लेषण किया है। देश की बहुत सारी प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं से, एडमिनिस्ट्रेटर्स से, हेल्थ मिनिस्टर्स से, सारे प्रदेशों की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स लेवल तक की टीम्स के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके देश के रिमोट से रिमोट हिस्से में भी कोविड की क्या स्थिति है और कोविड की स्थिति के बारे में भारत सरकार को क्या सहयोग करना है उसके बारे में लगातार चिंतन और चिंता हम लोग करते रहे हैं। बहुत प्रकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिस करने का मुझे पिछले समय में मौका मिला। मैं क्षमा चाहता हूँ कि जो कॉन्फेडरेशन है हमारी इंडियन ट्रेडर्स की, ये तो ऐसी संस्था है जिसके साथ मेरा बहुत गहरा व्यक्तिगत संबंध है और मैं आज भी भूलता नहीं कि जब 2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में व्यापार को बड़े पैमाने पर सील करने के आदेश दिए थे तो आपकी संस्था के सहयोग से, दिल्ली के व्यापारियों के सहयोग से और हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का उस समय अध्यक्ष रहते हुए सड़कों पर बहुत लंबा आप सबके साथ मिलकर हमने आंदोलन किया है। पिछले 15 वर्षों में भी जब जब व्यापारियों के लिए कोई भी समस्या सामने आई तो किसी न किसी रूप में आपके साथ मिलकर काम करने का मौका मिला है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे व्यापारियों ने अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में कभी भी अपने राष्ट्र धर्म को पीछे नहीं छोड़ा। मैं जानता हूं कि जब नोटबंदी हुई और इसी प्रकार से जब देश के अंदर GST को लागू किया गया, व्यक्तिगत तौर पर व्यापारियों को, व्यापारी संगठनों को, व्यापारी संस्थाओं को और व्यापार से जुड़े हुए लोगों को अपने अपने निजी जीवन में और अपने अपने जो व्यापार से जुड़े हुए जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन सब कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमारे व्यापारियों ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कभी नाराज होकर नाराजगी अपनी व्यक्त नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हृदय की गहराइयों से व्यापारियों के समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत संवेदनशीलता का हमेशा परिचय दिया है। ये बात मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं उनकी कैबिनेट का मंत्री हूं, लेकिन उनके भाव को नज़दीक से समझने का मुझे उनके साथ काम करते हुए विशेष रूप से पिछले 6 साल में आभास हुआ है। और व्यापारियों के प्रति भी मेरे मन में और अधिक सम्मान का भाव विकसित हुआ है कि विषम से विषम परिस्थितियों को भी और उसकी तकलीफों को सहन करते हुए भी हमारे व्यापारियों ने
अपने कर्तव्य को पालन करने में कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है। मैं आपके जैसी संस्था जिसके साथ 45 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। प्रवीण जी तो बहुत वर्षों से इस आंदोलन में लगे हैं और इसी प्रकार से बहुत सारे बड़े आंदोलन के अंदर लोग लगे हैं। कानपुर जहां मैंने लगभग एक दशक अपना बिताया, वहां के श्याम बिहारी मिश्रा जी भी मैं देख रहा हूं कि इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद भी वो व्यापारियों के आंदोलन के साथ कितनी गहराई और गंभीरता के साथ जुड़ते हैं। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों देश भर में नेता हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को व्यापारियों की समस्या के लिए, उनके समाधान के लिए, उनकी सहायता के लिए समर्पित किया। मैं ऐसे सभी व्यापारी नेताओं को मैं हृदय की गहराइयों से उनको प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। आप सब जानते हैं कि आज खाली देश में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में कोविड की त्रासदी ने हम सबको परेशान किया है। लाखों की तादाद में लोग देश में और दुनिया में कोविड से बीमार हुए हैं और काफी लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी हुई है। यद्यपि हमारे देश में मृत्यु का आंकड़ा भले ही कम है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि जिस भी परिवार के अंदर एक भी परिवार का सदस्य अगर किसी भी कारण से और आज के समय में कोविड के कारण मृत्यु का शिकार होता है, उसके लिए वो आंकड़ा 2.78% नहीं है, उसके लिए तो परिवार के लिए वो आंकड़ा 100% है, क्योंकि उसके परिवार के अंदर एक महत्वपूर्ण सदस्य ने अपने प्राण खो दिए हैं। इसलिए हमारी सरकार की हमारी पहले दिन से यही सोच रही है कि हमको किसी भी कीमत पर अधिक से अधिक लोगों को कोविड से बचाना है, उनके प्राणों की रक्षा करनी है, उनको जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना है, जल्द से जल्दी उनको सारी स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है और ये कोशिश करनी है कि किसी भी कीमत पर किसी के प्राण कोविड के कारण ना जाएं। आप सब जानते हैं कि दुनिया में भारत ऐसा पहला देश है जिसने कोविड, नया कोरोना वायरस, उसके आने की 7 जनवरी को घोषणा होने के बाद सबसे पहले उस खबर को संज्ञान में लिया। मैंने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में 8 जनवरी को ही मीटिंग की थी बड़े एक्सपर्ट्स की, और उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन तक के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। उस महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो 30 जनवरी को सारी दुनिया से कहा कि शायद कोई अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी आई है हेल्थ की, लेकिन हमने हमारे देश में इस इमरजेंसी की कल्पना 8 जनवरी को कर ली थी और फिर 17 जनवरी को सारे देश में सारी सरकारों को बनाकर डिटेल्ड हेल्थ एडवाइजरीज दे दी थी। सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर शुरुआत में 7 बड़े एयरपोर्ट्स पर, बाद में 30 बड़े एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी, कम्युनिटी में सर्वेलेंस शुरू कर दिया था और प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत सुपरविजन में भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को प्रारंभ किया था। लाखों की तादाद में 15 लाख से ज़्यादा लोगों की एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हुई, 20 लाख से ज़्यादा लोगों की नेपाल के और आसपास के स्टेट्स के साथ जो जुड़े हुए बॉर्डर्स थे वहाँ पर स्क्रीनिंग हुई,
और इसी प्रकार से 50,000 से ज़्यादा लोगों की सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हुई, 10 से 15 लाख लोग सारे देश में किसी भी समय पर कम्युनिटी सर्वेलेंस में रहते थे। इतनी बड़ी पैमाने पर भारत ने किसी बीमारी के खिलाफ इस तरह की लड़ाई शायद पहले कभी नहीं लड़ी होगी, और सारे समाज ने हम सबको सहयोग किया, सभी वर्गों ने सहयोग किया, अपनी व्यक्तिगत तकलीफ को सहते हुए भी कोरोना के खिलाफ युद्ध में भारत को बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले बेहतर संघर्ष करने के लिए सफलता दी। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको और आप सबके माध्यम से सभी देशवासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जितने भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी निर्देश निकाले, उनको मोटे तौर पर सारे देश ने, सारे देश की सरकारों ने अक्षरशः पालन किया। और आज जब 5 जून को एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस है, मुझे दो साल से भी ज़्यादा पर्यावरण मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला, और पर्यावरण के महत्व को हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कोविड से हम सबको बहुत तकलीफ हुई है, कोविड के वायरस ने हम सबके जीवन को बहुत तकलीफ में डाला है, लेकिन शायद अगर हम कोविड वायरस के दुनिया में आने के संदेश को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, उसका और गहराई से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, तो हमें ध्यान में आएगा कि शायद पर्यावरण की, अपने वायु की, अपने जल की, अपने रिवर्स की, अपनी वाइल्ड लाइफ की, अपने नेचर की, प्रकृति की जिस प्रकार से हम सबको चिंता करनी चाहिए थी, जैसी इज्जत हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देनी चाहिए, नेचर को देनी चाहिए, शायद मानवता ने नेचर को एक्सप्लॉइट ज़्यादा किया। अभी कल 2 दिन पहले कितनी बड़ी दुखद घटना भारत में हुई है, शायद पूरे हर एक भारतवासी का मन भरा हुआ है उस हथनी माँ की मृत्यु के कारण। और ऐसी घटनाएं जब होती हैं भारत में, नेचर को जब इस प्रकार से हम अपमानित करते हैं, तो शायद उसके दुष्परिणाम भी हमको भोगने पड़ते हैं। इस 3-4 महीने में हमने देखा कि जब हमको घर पे बैठने के लिए कोविड-19 ने मजबूर कर दिया, तो वातावरण में भी बहुत किस्म की गुणात्मक वृद्धि हुई। बहुत सारी ऐसी आदतें जो शायद हमको पता था कि ये अच्छी आदतें हैं, इन आदतों को जीवन के अंदर अपनाने से हमारा जीवन बेहतर हो सकता है, लेकिन जानते हुए भी हम शायद उनको अपनाते नहीं थे। पिछले समय में चाहे वो स्वच्छ भारत का अभियान हो, चाहे वो स्वस्थ भारत का अभियान हो, ऐसे बहुत सारे अभियान, पर्यावरण मंत्री के रूप में मुझे ग्रीन गुड डीड्स के अभियान को देश में लागू करने का मौका मिला,
स्वास्थ्य मंत्रालय में ईट राइट इंडिया मूवमेंट को लागू करने का मौका मिला। अभी मैं समझता हूं कि जितनी आदतों का हमको कोविड के अंदर मजबूरन परिवर्तन करना पड़ा है, अपने अपने जीवन में, अपने अपने व्यवसाय में, अपने अपने परिवार में, अपनी अपनी सोसाइटी में, जो भी हम जिस प्रकार के भी काम करते हैं उनके संदर्भ में हमको सबको मिलकर, और इसमें भी जो कॉन्फेडरेशन जो आपकी ट्रेडर्स की है, ऐसी जिम्मेदार संस्थाओं को बड़े पैमाने पर आत्मचिंतन करके सोसाइटी के लिए नए नॉर्मल्स डेवलप करने की ज़रूरत है। और वो जब नए किस्म से हम अपनी आदतें विकसित करेंगे, थोड़ी दूरी मेंटेन करके बैठना, बिना मतलब बाजार में, सड़क पर या किसी भी स्थान पर कंजेशन ना करना, अब ये हाथ धोने की आदत, ये तो किसी भी परिस्थिति के अंदर ये हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारी जो एंशंट विजडम है, हमारा जो एंशंट सैनिटेशन का कोड है, उसमें घर के अंदर कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। अगर ये खाना खाने से पहले, बाद में शौच जाने के पहले, बाद में अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोने की समाज में लोगों को आदत पड़ जाए, तो बहुत सारी बीमारियों से तो हम अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए विस्तार में ना जाते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें आपने समस्या के रूप में मेरे सामने रखी हैं, मैं जानता हूँ कि इनको नॉर्मलाइज होने में समय लगेगा। प्रशासन को भी बहुत गहराई और गंभीरता से इस संदर्भ में प्रयास करने की आवश्यकता है, सरकारों को भी और ज़्यादा गंभीरता का परिचय देने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से कुछ सरकारें, उनका ध्यान पब्लिसिटी और पॉलिटिक्स ड्रिवन ज़्यादा है, लोक कल्याण की गंभीर चिंता करने में कम है। लेकिन मैं इस सब के बावजूद भी कहूँगा कि अगर जनता ने अपनी जिम्मेदारी को और गहराई से समझा और नए नॉर्मल्स विकसित करने के लिए जो दूसरों से हमारी अपेक्षा है, उसके साथ साथ हमें भी अपने अपने व्यवस्थाओं में क्या क्या नए सुधार, नए इनोवेशंस डेवलप करने हैं, वो चाहे सड़क के ऊपर हो, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो ट्रैफिक सिस्टम्स के अंदर हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स के अंदर हो, चाहे वो होटल्स के अंदर हो, चाहे वो स्कूल में बच्चों को भेजने के संदर्भ में हो, चाहे वो कॉलेजों के लिए हो, चाहे वो पार्टियों को, शादियों को, बड़े बड़े फंक्शंस को, समारोह को आयोजित करने के संदर्भ में हो। इस 3-4 महीने में मैंने देखा कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में बहुत सारी टेक्नोलॉजी से हम अवगत रहते थे, लेकिन एक दफ़ा नीति आयोग ने देश में 92,000 स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ इसी टेक्नोलॉजी के प्रयोग करके मेरा जो है डायरेक्ट आमना सामना कराया। ऐसे सारे देश में कई प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला, और मुझे पता है कि आप लोग हर रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारे तरह तरह के लोगों के साथ जुड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जो हम कर रहे हैं ये केवल कोविड की मजबूरी के कारण इसको हम करें, ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं आने वाले भविष्य में बड़े पैमाने पर ये हमारी सोसाइटी का नया नॉर्मल हो सकती हैं। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले समय में दुनिया के 194 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों को कई बार एक साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर जोड़ा,
प्रधानमंत्री जी ने दुनिया भर के बड़े नेताओं के साथ इसी प्रकार से अपनी बात को शेयर किया, कितना ट्रैवलिंग का समय, कितना मीटिंग्स का समय, कितना व्यवस्थाओं के ऊपर खर्चा, बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत सारे गुणात्मक लाभ हुए हैं। उनके लिए विस्तार से विश्लेषण करके सोसाइटी के नए नॉर्मल्स जो डेवलप होंगे उसमें हम जितने बड़े पैमाने पर भाग लेंगे, और सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम किसी दिशा निर्देश का इंतज़ार ना करें, हम किसी हेल्थ एडवाइजरी का इंतज़ार ना करें, स्वास्थ्य मंत्रालय कब क्या बताएगा होटल के बारे में, क्या बताएगा टूरिस्ट प्लेस के बारे में, क्या बताएगा रिलीजियस गैदरिंग के बारे में, क्या बताएगा मंदिर और मस्जिद के अंदर नॉर्म्स। अब हम समझ गए हैं कि किस प्रकार से नए नॉर्म्स को हम खुद भी विकसित कर सकते हैं। सरकार जो सुझाव देगी उससे बेहतर नॉर्म्स सोसाइटी में विकसित करने की प्रतिभा है, और आपके जैसी संस्थाओं को मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रकार के नए नॉर्म्स विकसित करें जो कि दूसरी संस्थाओं के लिए भी एक प्रकार से प्रेरणा का कारण हो। मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री जी का हृदय और मन वो गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, इन सब के लिए उनका मन जो है वो बहुत संवेदनशील भाव से सोचता है। आज अगर उन्होंने कोरोना का युग प्रारंभ होने के बाद शुरुआती दौर में ही अगर 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीबों के कल्याण के लिए पैकेज घोषित किया, या बाद में आत्मनिर्भर भारत के लिए 20,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज, जिसको घोषित करने में भी लगभग 1 सप्ताह का समय लग गया, तो उसके पीछे का अगर हम भाव समझेंगे तो उन सारे भाव में भारत के लोग, भारत के व्यापारी, भारत के MSME के छोटे बिजनेसेस के लोग, इनको कैसे सब प्रकार से सपोर्ट करना, इनको कैसे सब प्रकार से अपने पांव पर खड़ा करना, कैसे भारत की इकोनॉमी को और तेज़ी से आगे बढ़ाना, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप मेरी बात को याद रखिएगा, आज अगर कोई इकोनॉमी को ठेस लगी है तो थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे कि हमारे देश की इकोनॉमी के लिए ये कुछ समय की घटनाएं किस प्रकार से ये शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में परिवर्तित होंगी, और एक इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूम वापस भारत के अंदर आएगा। और वैसे आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी हर प्रकार की टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं, हर प्रकार से वो आपके लिए, उन्होंने ई कॉमर्स का पोर्टल जो भारत ई मार्केट, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनका विस्तार से उल्लेख करना शायद अभी संभव ना हो, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। इन सब चीज़ों को हम अवेल करें, हमारे व्यापारियों तक जो सरकार की स्कीम्स हैं उनकी गहराई उन तक पहुँचाएँ, उनको समझाएँ, उसका लाभ उनको दिलवाएं। एक साल पहले भी बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने घोषित कर लागू किया, व्यापारियों के लिए बहुत सारी इस प्रकार की स्कीम्स थी जिसमें रिटायरमेंट के बाद उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। और जो पिछले समय में मैंने देखा कि GST लागू करने के बाद कितनी बार जब व्यापारी लोग कोई अपनी तकलीफ बताते थे, मैं आपको बता सकता हूं कि कम से कम 3 बार तो मैंने अपने चार्टेड अकाउंटेंट के साथ मिलकर बहुत बारीक सुझाव जो है उनकी लिस्ट बनाकर प्रधानमंत्री जी को स्वयं दी, और बाद में जब अमेंडमेंट्स होते थे, मॉडिफिकेशंस होते थे, और मैं उनसे वापस पूछता था कि आपको क्या लगता है कि उसमें से कितनी चीज़ों के ऊपर अमल हुआ, कितने मॉडिफिकेशंस हुए, कितने सिंप्लीफिकेशंस हुए,
तो हर बार उन्होंने मुझे कभी का 80%, कभी का 90%, कभी का 95%, कभी ये नहीं कहा कि कोई भी उसके अंदर सुझाव के ऊपर अमल नहीं हुआ। तो हर सुझाव, हर बात जिसको समाज कहता है, किसी भी रूप में प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचती है, उसको वो बहुत गंभीरता से लेते हैं। उसके लिए उनकी बहुत ही पेनिट्रेटिंग ऑब्जर्वेशन है, बड़े मेटिकुलस तरीके से वो उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो आपने दिल्ली से संबंधित जो बाज़ारों के अंदर जो बहुत सारे इश्यूज़ की बात की है, मैं व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी बात करूंगा, इसी तरह से दिल्ली के जो कमिश्नर्स हैं उनसे भी बात करूंगा, और दिल्ली सरकार को भी जो भी संभव तरीका है उनके ऊपर भी प्रिवेल करने का प्रयास करूंगा कि जो आपकी निजी ज़िंदगी में जो डे टू डे लाइफ में जो तकलीफ़ें आ रही हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन एक निवेदन मैं आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ, लॉकडाउन उसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है, उसको रिलैक्स किया जा रहा है, उसमें बहुत सारी बंदिशें ख़त्म की जा रही हैं, बहुत सारे रिलैक्सेशंस आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी स्तर तक उन रिलैक्सेशंस का दुरुपयोग करें। जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने की कोशिश की जा रही है, अनलॉक करने की कोशिश की जा रही है, हमारी अपेक्षा है कि आप भी धीरे 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 जो नई वापस व्यवस्था आ रही है, नई जो नॉर्मल लाइफ आ रही है, उसमें सारी प्रिकॉशंस को लेते हुए आप ये सुनिश्चित करें कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस वो किसी को भी रियायत के साथ बिहेव नहीं कर रहा है, वो समाज के हर वर्ग के हर बड़े से बड़े वीआईपी के साथ भी उसका वही बिहेवियर है जो एक साधारण से गरीब आदमी के साथ भी है। अगर किसी गरीब आदमी ने ईमानदारी से जो 3-4 बातें हैं उनका पालन किया, मास्क का ठीक प्रकार से हर समय प्रयोग किया, अपने हाथों को धोता रहा, ठीक प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग कर ली, और बेफालतू बाजार के अंदर जाकर भीड़ में अपने आप को जोड़ने की आदत से दूर रहा, तो गरीब आदमी भी जो है अपनी बहुत सफलतापूर्वक अपने प्राणों की रक्षा कर पाएगा। और बड़े से बड़ा आदमी भी अगर वो ये समझे कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे लिए ये प्रिकॉशंस नहीं बने हैं। मैं जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि ज़्यादातर लोग जिनको मैं वीडियो पर स्क्रीन पर देखता हूँ, हो सकता है वो एक्सप्लेनेशन ये देंगे कि वो घर में बैठे हैं, किसी ऐसे स्थान पर बैठे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मास्क का इस्तेमाल करना आपके अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भी और दूसरों के प्राणों की रक्षा करने के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रिकॉशंस लेने में कोई किसी किस्म की कसर मत छोड़िए। सरकार जो जो व्यवस्थाएं कर सकती थी, आप जानते हैं कि आज पिछले लॉकडाउन के समय अगर हमारे देश में डबलिंग रेट 3 और 4 दिन के करीब था, तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पिछले 14 दिन का 7 दिन का या 3 दिन का जो डबलिंग रेट है वो 14 और 16 के बीच में है, और लगातार सरकार ने सब प्रकार के प्रयास किए हैं इस कोरोना के साथ लड़ाई लड़ने के लिए। आपको शायद सुनकर विश्वास होना मुश्किल होगा कि कुछ साल पहले तक ये जो वायरस का टेस्ट है
इसका जो स्वैब आपका लिया जाता है, इस स्वैब को टेस्टिंग के लिए अमेरिका भेजना पड़ता था, और फरवरी के महीने में हमारे पास केवल एक लेबोरेटरी थी हमारे पास। और आज हमने पिछले समय के अंदर 507 गवर्नमेंट की टेस्टिंग लेबोरेटरी पूरे देश में स्थापित कर दी हैं और 217 प्राइवेट लेबोरेटरीज। ये कोई साधारण संख्या नहीं है, ये साधारण लेबोरेटरी भी नहीं है कि किसी जगह पे किसी टेक्नीशियन को आप बिठा दें। इसमें बहुत सारे बायो सेफ्टी के, बायो हैजर्ड्स के इश्यूज होते हैं। और आपको सुनकर खुशी होगी कि कल केवल हमने देश के अंदर 1,00,000 और लगभग 44,000 जो है टेस्ट हमने देश के अंदर किए हैं। यानी कोई ऐसी कोशिश जो हमको करनी चाहिए थी, अभी लगभग कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल, कोविड के डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स, कोविड के डेडिकेटेड केयर सेंटर्स, इनमें सारे देश के अंदर 11,00,000 के करीब बेड्स हमने स्थापित किए हैं, 11,000 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर्स हमने स्थापित किए हैं। और आप सब जानते हैं कि आज जिस देश में पीपीई बनता नहीं था, पीपीई इंपोर्ट होता था, वहाँ जो है सैकड़ों पीपीई के मैन्युफैक्चरर्स को हम लोगों ने हैंड होल्ड करके विकसित किया है। 5,00,000 से ज़्यादा जो है पीपीई जो है आज भारत के अंदर बनते हैं, N95 मास्क बनते हैं, 1,00,000 से ज़्यादा पीपीई और इसी प्रकार से N95 मास्क हम सारे देश में लोगों तक पहुँचा चुके हैं सरकारों के माध्यम से। यानी भारत की जो क्षमता है उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को पर्याप्त हम मदद दे रहे हैं, दिल्ली की सरकार को भी पर्याप्त मदद दे रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर सारे समाज के लोग पूरी गहराई और गंभीरता के साथ जिस तरह से पिछले 3-4 महीने से कोविड के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो संघर्ष हमारा बराबर ठीक प्रकार से चलता रहा तो आने वाले निकट भविष्य में कोविड के खिलाफ निर्णायक युद्ध में विजय प्राप्त करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, आपके परिवारजनों के, आपके मित्रजनों के, आपके सभी सगे संबंधियों के लिए भगवान कोविड से आपको बचाने के लिए सब प्रकार से आशीर्वाद दे। मैं इतना भी कहना चाहता हूँ कि कोविड के खिलाफ डरकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम होता भी है और अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, जांच होने के बाद मेडिकल सलाह या गाइडलाइन के हिसाब से घर में या अस्पताल जहां कहीं भी आवश्यक है, तो मोटे तौर पर आपका ठीक होना निश्चित है। इतने दिन से मैं रोज़ शाम को 7 बजे विश्लेषण करता हूं कि आज पूरे देश में कितने मरीज वेंटिलेटर पे हैं। तो आपको सुनकर एक प्रकार से आश्चर्य होगा कि वेंटिलेटर नाम का बहुत प्रयोग होने लगा है। तो कभी भी 0.35 या 0.35 से 0.40 प्रतिशत से ज़्यादा मरीज वेंटिलेटर पर नहीं होते हैं, कभी भी 1.5-2% के बीच में मरीज ऑक्सीजन बेड पर नहीं होते हैं, लगभग इतने होते हैं, और 2-3% के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आईसीयू के बेड के अंदर होते हैं। और इनका भी ठीक प्रकार से ध्यान रखने पर इनको ठीक होना निश्चित है। दुनिया में हमारी मॉर्टेलिटी 8-9% के करीब है, सारे दुनिया का एवरेज हमसे बहुत ज़्यादा है।
और इसमें भी 2.89% में भी हमारे देश के अधिकांश स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर मोर्टेलिटी 1% से कम या 1-2% के बीच में है। सिर्फ आज देश में कुछ स्थान या कुछ ही ऐसे प्रदेश ऐसे बाकी है जहां बीमारी के खिलाफ अभी जंग जो है वो थोड़ा सा और प्रभावी ढंग से लड़नी पड़ रही है। भारत सरकार इस बात का पूरा प्रयास कर रही है कि इन सभी स्टेट्स के साथ मिलकर हमारी सरकार की भारत सरकार की टीम्स लगातार सारे देश भर में जा रही हैं, वहाँ पर वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारियों को, सर्वेलेंस ऑफिसर्स को, रैपिड रिस्पांस टीम्स को, वहाँ के मेडिकल कॉलेज और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टाफ को, सबको हर प्रकार का समर्थन दे रहे हैं। समय समय पर उसके हिसाब से गाइडलाइंस को हम लोग विकसित कर रहे हैं और हम ये जान रहे हैं कि जब जैसी भी परिस्थिति विकसित होती है उसके हिसाब से विषम परिस्थिति में भी हमको क्या क्या तैयारी करनी है, वो सारी तैयारियां हमने 2 महीना पहले करके रख दी हैं। हम नहीं चाहते कि उन तैयारियों का इस्तेमाल देश की जनता को करना पड़े, लेकिन जनता के हित में विषम से विषम बड़े फैसले करने की भी जब बात आई, लाखों मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का काम कोई निर्णय भी आसान नहीं था, करना भी आसान नहीं था, और उसके कारण आप जानते हैं कि बीमारी के केसेस की संख्या में भी कुछ ना कुछ सब स्टेट्स में वृद्धि हुई। आप जानते हैं मार्च के महीने में दिल्ली में भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसके कारण सारे देश में बीमारी फैली। उन सब चीज़ों का अब हम विश्लेषण इस समय नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी व्यापारियों की संस्था एक बड़ी संस्था है, लाखों व्यापारी सारे देश में इस संस्था के साथ जुड़े हैं और आपके व्यापार के साथ देश के करोड़ों लोग जुड़े हैं, इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद आप आने वाले समय में समाज व्यापार के फ्रंट पर किस प्रकार से बिहेव करेगा, किस प्रकार के नॉर्मल्स को विकसित करेगा, ये आने वाले समय में हमारे भारत की समृद्धि के लिए, भारत में डिजीज़ कंट्रोल के लिए, भारत में बड़े बड़े भारत को एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स से बचाने के लिए और भारत में जो और बहुत सारी बीमारियां जिनको अभी आने वाले वर्षों में हमें जड़ से समाप्त करना है, टीबी जैसी बीमारी है, इस वायरस के बारे में तो इतना समझ लीजिए कि ऐसे अनेकों वायरस दुनिया में आ चुके हैं, वो कुछ समय के लिए अपनी बीमारी का प्रकोप दिखाते हैं, लेकिन दुनिया से केवल 2 ही वायरस हैं जिनको जड़ से समाप्त किया जा चुका है अब तक। एक चेचक का वायरस है जो बड़े बुजुर्ग लोग जानते हैं, जो कि 70 के दशक में जो जड़ से समाप्त हुआ दुनिया से, और दूसरा पोलियो का वायरस है जिसको भारत ने भी 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से सर्टिफिकेशन लेकर जड़ से समाप्त किया। बाकी दूसरे सभी वायरसेस को उसी प्रकार से समाज में दुनिया में रहना है, वो समय समय पर थोड़ा बहुत किसी किसी स्थान पर लोगों को बीमारी करेंगे जैसे दूसरी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो हर एक व्यक्ति को नहीं होती हैं, समाज में किसी किसी को होती हैं और जैसे जैसे होती हैं वैसे वैसे हम उनका इलाज करते हैं। तो इस वायरस के कारण कोई ज़्यादा खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है, इसको मात देने के तरीकों को अपनाने की ज़रूरत है, और बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि इस वायरस को हराना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी छोटी अपने जीवन के अंदर जीवनचर्या में परिवर्तन से हम COVID-19 पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ, मेरे पास समय का तो बहुत अभाव था लेकिन बोलना मैंने शुरू किया तो मेरा मन किया कि मैं आपसे ज़रूर कुछ बातें जो अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं और संवेदनशील भी है, और मेरे मन में आपके सबके प्रति हृदय से बहुत प्रेम भी है और आपके स्वास्थ्य की
लाभ और कामना का मन में एक सात्विक विचार भी है, तो उसकी अभिव्यक्ति मैंने करने के लिए थोड़ा आप सबका ज़्यादा समय लिया। आपने धैर्य पूर्वक मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और भगवान से आप सबके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कृष्णवर्धन जी। मैं आपको देश के 7 करोड़ व्यापारी और 40,000 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों की ओर से यह विश्वास दिलाता हूँ कि हम व्यापारी पूरी ताकत से सरकार के साथ में खड़े हैं। और जैसा आपने आशा व्यक्त की है कि सुरक्षा के नए नॉर्म्स हम लोग डेवलप करेंगे और आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में और आपके सफल नेतृत्व में पूरे देश के अंदर न केवल हम व्यापारियों को शिक्षित करेंगे बल्कि आपने बहुत सही कहा कि देश के 130 करोड़ लोगों का जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो हमारे व्यापारी हैं। हम उनके माध्यम से भी सभी व्यापारियों के माध्यम से देश की जनता को भी हम शिक्षित करने का प्रयास करेंगे कि ये मास्क वगैरह क्यों आवश्यक है। मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारी बहुत बड़ी गलती को और हमारा ध्यान दिलाया कि हमें घर में भी रहना है तो मास्क पहनना है। अब से पहले हम इसको नहीं करते थे लेकिन आपने ये जो इंगित किया है हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब हम घर में भी रहेंगे तो मास्क पहनेंगे। और मैं जानता हूँ कि हमारे आपके मन में हमारे प्रति जो भाव है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पोलियो उन्मूलन यदि देश में हुआ तो उसके सूत्रधार आप स्वयं थे और WHO ने भी और पूरे विश्व ने आपके प्रतिभा को माना है, समझा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पोलियो मुक्त भारत हुआ था उसी प्रकार से कोरोना मुक्त भारत भी बहुत जल्दी होगा। अब मैं आपके विधिवत धन्यवाद के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सत्यभूषण जैन जी को। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपने छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आपने आने का और जो आपने ज्ञान हमें समझाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आपके हम साथ हैं, जैसा आप कहोगे उसी तरह पालन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका। व्यापारियों के लिए आपका कोई भी मार्गदर्शन होगा तो हम उसे सदैव स्वीकार करेंगे और आपके इस कोविड महामारी के भीषण समय देश का एक एक व्यापारी पूरे तरीके से भारत सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ है, आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।